Hey guys, so what's up, welcome to my another video. तो आज हम लोग कस्टम करने वाले हैं एंड रिसेंटली अभी मैंने कस्टम वीडियो डाला, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो हे गाइस, आज हम लोग इस बुक को कस्टम करने वाले हैं। जैसा आप देख रहे हो इसका फ्रंट लुक, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता एंड मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि इस बुक को कस्टम करो, तो फाइनली आज वो दिन आ गया। हम इसको कस्टम करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस स्टिकर्स, इस स्टिकर का यूज़ करके आज हम इसको कस्टम करेंगे। जैसे हमने बॉटल को कस्टम किया था वैसा ही कुछ इसको कुछ नया लुक देंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे एंड इसके अंदर मैंने कुछ माइक्रोन पेन आर्टवर्क्स भी किए लाइक दिस। तो अगर आपको सब ड्राइंग्स देखने हैं तो रिसेंटली मैंने वीडियो डाला था अपना माइक्रोन पेन आर्टवर्क्स करके, मैंने ड्राइंग टूर का वीडियो डाला था, अगर आपको देखना है तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो फाइनली कुछ नहीं, स्टार्ट करते इसको कस्टम करना। इसे कस्टम करने से पहले मैं इसको ब्लैक कलर करने वाला हूँ इसके स्क्वायर में, तो चलो ब्लैक कलर लेके आते हैं। तो ये रहा ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर करने के लिए थोड़ा ब्रश ले लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ 2 ब्रश, तो चलो करते हैं। तो ये मैंने रख दिया, तो इट्स टाइम टू कलर। तो गाइस, मुझे उधर ब्लैक कलर करना था, उधर मैंने लाइन मार लिया, इस बॉर्डर के अंदर मैं ब्लैक कलर करने वाला हूँ, तो चलो करते हैं। कंप्लीट हो चुका है एंड ये थोड़ा गीला है, तो इसको थोड़ा सूखने देते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो हे गाइस, ये सूख चुका है अच्छी तरह, तो मेरे हाथ में पैसे लगा था, तो इट्स टाइम टू स्टिकर। तो चलो करते हैं स्टिकर। स्टिकर करने से पहले इसको निकाल लेते हैं। तो हे गाइस, जैसा आप देख रहे हो ऑलमोस्ट मेरा स्टिकर आके हो चुका है एंड अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वाइट पेन से इसको आउटलाइन करूँ, तो जो है उससे पहले मुझे उसको चेक करना पड़ेगा। Let me down slow, but you broke me on the floor.
तो ये गाइस फाइनली कंप्लीट हो चुका है कस्टम करके, एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ऑसम लग रहा है। एंड आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर इसको बनाते समय आपने वीडियो को गौर से या फिर ध्यान से देखा होगा तो आपको मालूम पड़ा होगा कि स्टिकर्स थे उसके, वन साइड में स्टिकर था और सेकेंड साइड में स्टिकर नहीं था, बिकॉज वो सब स्टिकर मैंने यूज़ किया था इससे पहले वाली वीडियो में कस्टम करने में। इस बॉटल को मैंने कस्टम किया था, एंड इस बॉटल को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा, आई थिंक 1 वीक हो चुका है फिर 2 वीक, एंड ये बहुत ही अच्छी तरह यूज़ हो रहा है और बहुत ही फंकी दिख रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड आज का भी हम लोग का बहुत ही बॉम्ब बना है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए क्रिएटिविटी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तो यो।